हेलो एवरीवन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन इसके पहले हमने इसके दो जो वीडियोस हैं पहले के उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउनेंट्स के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था एंड कुछ क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट के वहाँ पे सॉल्व किए थे नाउ मूविंग ऑन लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे रेट और टाइम में जो है देर इज़ अ सम काइंड ऑफ वेरिएशंस ठीक है जहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस रहते हैं जहाँ पे आपको टाइम uh, जो है स्पेसिफिक नहीं दे रखा होता है ना ही आपको रेट जो है स्पेसिफाइड वहाँ पे किया होता है ठीक सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिक्सटी एट थाउजेंड एट सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट पर एनम फॉर नाइन मंथ्स ठीक है प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दे रखा है ठीक इसके बाद से जो रेट दिया है रेट इज़ इन द काइंड ऑफ मिक्सड फ्रैक्शन सिक्सटीन टू बाय थ्री परसेंट और जो टाइम दिया है टाइम भी आपको मंथ के फॉर्म में दे रखा है इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स ठीक सो इसके लिए वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन जो हम रेट हमारे पास है और जो टाइम है उसको हम पहले सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर रेट है सो वी विल कन्वर्ट द रेट इन द सिंपल फ्रैक्शन जो सिंपल फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं सो रेट इज गिवन सिक्सटी इन टू बाई थ्री परसेंट आई होप सबको ये करना आता होगा यू जस्ट वॉट डू यू डू इफ इट इज सिक्सटीन टू बाई थ्री देन यू जस्ट सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय थ्री दैट इज फोर्टी एट एंड प्लस टू दैट इज फिफ्टी फिफ्टी बाई थ्री विल बी योर रेट फिफ्टी बाय थ्री विल बी योर रेट ओवर देयर सो एंड कन्वर्ट टाइम को अगर कन्वर्ट करना है तो टाइम को कन्वर्ट कैसे करेंगे तीन नौ महीने का टाइम दे रखा है तो उसको साल में कन्वर्ट करना है तो अगर मंथ के हिसाब से टाइम दिया हुआ है आप जस्ट उसको ट्वेल्व से जो है डिवाइड कर देंगे सो नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व डेट विल बी थ्री थ्री बाई फोर ईयर्स नाइन बाई ट्वेल्व करेंगे देट विल गिव यू थ्री टाइम्स एंड फोर टाइम्स थ्री बाई फोर ईयर्स ठीक है अब हमारे पास हमको सिंपल टर्म्स में रेट भी मिल गया है टाइम भी मिल गया है करना कुछ नहीं है यू जस्ट हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या कहता है पी आर टी या फिर पी एन आर बाई हंड्रेड ठीक है सो जस्ट यू और सिक्सटी एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी बाई थ्री एंड विच विल बी फर्दर मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई फोर ठीक है अपॉन हंड्रेड ठीक है अपॉन हंड्रेड which will give you 8500 as the interest, which will give you 8500 in the form of interest. yahan pe aapko interest यहाँ पे आपको 8500 मिल गया है 8, 500, so, difference kuch nahi hai ठीक pe sari कुछ नहीं है यहाँ पे सारी चीज़ें एज इट इज़ है बस ध्यान इतना देना है आपको कि जो भी आपके पास रेट या टाइम दे रखा है उसको आपको पहले सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है रेट अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में है यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट रेट इन सिंपल फ्रैक्शन और अगर आपका टाइम जो है मंथ्स में दे रखा है अगर यहीं टाइम आपका डेज में दे रखा होता लेट्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो टाइम है आपका डेज़ में दे रखा होता है यहाँ पे लेट्स अराउंड यू कैन से टू हंड्रेड डेज दे रखा होता ठीक इस केस में आप क्या करते यू जस्ट डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ डेज ईयर में कितने होते हैं 365 सो टू बाय 365 इतना ही करना रहता है आपको ठीक है सो आपको जो पहले जो टाइम दे रखा है उसको आप देखिए डेज में है कि मंथ के फॉर्म में अगर मंथ के फॉर्म में है तो जितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में उसे डिवाइड करेंगे अगर डेज के फॉर्म में है तो जितने डेज होते हैं एक साल में उसके उससे आप डिवाइड करेंगे चेंज करेंगे उसके हिसाब से नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज थ्री हंड्रेड एट सिक्स वन बाई फोर परसेंट पर एन एम फॉर द पीरियड फ्रॉम फोर्थ फेब टू थाउजेंड फाइव टू एटीन अप्रैल टू थाउजेंड फाइव ठीक है चार फरवरी से अट्ठारह अप्रैल तक जितने भी आपके डेज होंगे आपको डेज पहले काउंट करने होंगे यहाँ पे ठीक है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दिक्कत नहीं होनी चाहिए तीन हजार आपका प्रिंसिपल है ठीक रेट भी दे रखा है रेट इज़ सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट या फिर सिक्स वन बाई फोर परसेंट ठीक है इसको आप चेंज करेंगे सो रेट कितना हो जाएगा आपका फोर सी ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव बाई फोर विल बी योर रेट ट्वेंटी फाइव बाई फोर परसेंटेज विल बी योर रेट आपका रेट हो जाएगा और जब इसको जो डेज़ आपके हैं डेज को आप काउंट करिए सो डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम फोर्थ तो फेब टू एटीन अप्रैल जब काउंट करेंगे डेज इट विल कम अराउंड सेवेंटी थ्री डेज इट विल कम अराउंड सेवेंटी थ्री डेज सेवेंटी थ्री डेज अब हैं ठीक है और डेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है सो यू विल डिवाइड इड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इसका मतलब क्या हो जाएगा वन बाई फाइव ईयर्स जो होंगे दैट विल बी योर फाइनल टाइम पीरियड जो कि टाइम निकल के आएगा वो आएगा एक बटा पाँच साल ठीक है सो so, महीने अगर दिया होता हम उसको डिवाइड करते बारह से ट्वेल्व मंथ से डिवाइड करते अगर साल दे रखा है उसको हम डिवाइड करेंगे अगर डेज दे रखा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे थ्री सिक्सटी फाइव डेज सो वी हैव डिवाइडेड इट एंड नाउ उसको फिर आप फॉर्मूले में रख देंगे इसी फॉर्म में दैट इज पी एन आर बाई हंड्रेड या पी आर टी बाई हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड वी बी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव बाई फोर दैट इज द रेट मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फाइव यानी सेवेंटी थ्री बाई थ्री सिक्सटी फाइव जो भी आपका डेज आया है सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बेसिस पे आपने फिर एक निकाला एंड दैट इंटरेस्ट इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जीरो दैट इज द इंटरेस्ट यस yes. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ये थोड़ा सा अलग है आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन यस अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन एस आई ट्रिपल इट सेल्फ इन एट ईयर्स ठीक है कह रहे हैं कि एक अमाउंट ऑफ मनी दिया हुआ है ठीक और वो अपने से तीन गुना हो जाता है आठ साल में ठीक यानी उसमें इंटरेस्ट जो पड़ रहा है ठीक उसको मिला के जो अमाउंट बन के आ रहा है वो हो जाता है तीन गुना इट ट्रिपल्स इट सेल्फ इन एट ईयर्स आठ साल के अंदर इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम बिकम सिक्स टाइम्स इट्स सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट सेम रहता है ठीक तो वो अपने से सिक्स टाइम्स कब बन जाएगा इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स सिक्स टाइम्स एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है क्वेश्चन समझ में आ गया है एक अमाउंट है जिसको आठ साल लगते हैं उसके तीन गुना बनने में ठीक कितना टाइम लगेगा उसको उससे गुना बनने में ठीक है समझो इसको क्या कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है अब मान के चलो यहाँ पे कि अगर आपका प्रिंसिपल जो है ठीक है प्रिंसिपल अगर आपका हंड्रेड है यहाँ पे और कह रहे हैं कि ये तीन गुना बन जाता है इट बिकम्स थ्री हंड्रेड इन एट ईयर्स ठीक है आठ साल में ये तीन गुना बन जाता है तो सौ तो हमने इन्वेस्ट ही किया था ठीक है सौ हमारा प्रिंसिपल था सौ हमने इन्वेस्ट ही किया था अमाउंट वो बन रहा है थ्री हंड्रेड का इसका मतलब क्या है कितने से बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है इंक्रीमेंट कितने का हुआ है दो सौ रुपये का ठीक है सौ तो हमने इन्वेस्ट ही किया था और 300 बन रहा है इसका मतलब क्या है कि 200 का जो है इंटरेस्ट लगा है इसके ऊपर कितने साल में आठ साल में ठीक है दो सौ का इंटरेस्ट लगा है आठ साल में तब जाके वो सौ रुपये तीन सौ रुपये बन गया है ठीक सो so, इसको अगर देखा जाए तो कहने का मतलब यही है कि सौ हमने इन्वेस्ट किया था और उस पर दो सौ रुपये इंटरेस्ट पड़े हैं आठ साल में और तब जाके वो तीन सौ रुपये बन गया है उसने खुद को ट्रिपल कर लिया है उस अमाउंट ने क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इतना ही इन्वेस्ट करते हैं ठीक विल द सेम बिकम सेम मतलब क्या है इतना ही प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं और इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है ठीक तो वो छः गुना कब बनेगा अब छः गुना बनने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे सौ इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक और ये सिक्स टाइम्स बन रहा है इसका मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा इस पर पाँच सौ रुपये पड़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा होगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ पड़े होंगे ठीक टाइम पीरियड हमको निकालना है ठीक है टाइम को नहीं पता है तो टाइम निकालना है इसका इतना कॉन्सेप्ट में आ गया होगा हमें लग रहा है तो पहले वाले केस में क्या था सौ इन्वेस्ट किए दो सौ रुपये का इंटरेस्ट पड़ रहा था आठ साल के अंदर अब क्या कह रहे हैं सौ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और 500 का इंटरेस्ट पड़ रहा है टाइम आपको निकालना है कितने टाइम के पीरियड में कितने टाइम में वो इंटरेस्ट पड़ेगा ठीक है सो जस्ट आई एक्सप्लेन यू कैसे निकालना है देखिए हमको इतना पता है कि दो सौ जो इंटरेस्ट पड़े हैं वो पड़े हैं आठ साल में एट ईयर्स में ठीक है दो सौ जो इंटरेस्ट पड़े हैं दैट इज़ इन द एट ईयर्स ठीक पाँच सौ इंटरेस्ट कितने साल में पड़ेगा सिंपल सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है बस आपको अगर यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आता है बचपन में सीखा होगा क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ के आसपास में आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। कैसे करोगे देखो 200 का इंटरेस्ट पड़ा है आठ साल में ठीक है पाँच सौ का निकालना है इंटरेस्ट ठीक कैसे निकालेंगे एट बाय टू हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर करके दिखा देते हैं ये जीरो कैंसिल आउट हो गया है एंड टू फोर टाइम्स एट फोर इंटू फाइव दैट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स जो होगा दैट विल बी योर टाइम पीरियड जिसमें आपका पैसा जो है छः गुना हो जाएगा जिसमें आपका मनी जो है सिक्स टाइम्स हो जाएगा ठीक है अगर समझ में नहीं आया है जस्ट ट्राई टू रिवाइंड द वीडियो और वहाँ से फिर समझने की कोशिश करना ठीक है क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये बताना है आपको बस इतना पता करना है कि अगर कोई पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कितना पड़ा है इंटरेस्ट अगर पता कर लिया है तो आसानी से फिर आप टाइम पीरियड कह लीजिए या रेट कह लीजिए निकाल सकते हैं कुछ भी ठीक है और यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो 200 का इंटरेस्ट पड़ा था वही चीज़ एक यहाँ पर करी गई है लेकिन यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लिया गया है आई जस्ट अवॉइड टेकिंग एनी एक्स वाइज डेड इसलिए मैंने आपको यूनिटरी मेथड से बता दिया वो क्वेश्चन ठीक है सो so, आपका यहाँ पर मैंने बताया था दोबारा बता देते हैं कि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आपका पड़ा था पहले केस में दो का और आठ साल में पड़ रहा था ठीक है अब आप आपने उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा छः गुना हो रहा है ठीक है सिक्स टाइम्स हो रहा है मतलब सौ रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो छः सौ रुपये हो जाएंगे मतलब क्या है कि पाँच सौ रुपये इंटरेस्ट पड़ रहा होगा उसमें ठीक है पाँच सौ इंटरेस्ट पड़ने का मतलब क्या है कि अब आपको टाइम निकालना है कैसे निकालोगे एट बाय टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फाइव हंड्रेड इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज ट्वेंटी ईयर्स एज द टाइम पीरियड नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एस आई अमाउंट टू रुपीज सिक्सटी नाइन हंड्रेड इन थ्री ईयर्स तीन साल में कोई हमने पैसा लिया था ठीक है कोई हमने पैसा उधार लिया था वो तीन तीन साल में सिक्सटी नाइन हंड्रेड बन जाता है मतलब ये आपको अमाउंट दे रखा है ठीक है दिस वन इज गिवेन एज द अमाउंट दिस पोर्शन इज गिवन इज द अमाउंट इन थ्री ईयर्स ठीक और सात साल में वही पैसा फिर आपका एटी वन हंड्रेड बन जाता है ठीक है तीन साल में सिक्सटी नाइन हंड्रेड बन रहा है और सात साल में एटी वन हंड्रेड बन रहा है और सिंपल इंटरेस्ट का केस है यहाँ पे देर इज नो कंपाउंड इंटरेस्ट देर इज अ केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है सम बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है सम मतलब कि कितना आपने बोरो किया था कितना आपका प्रिंसिपल था वहां पे ठीक है यू हैव टू जस्ट नो द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक और देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको केस सिंपल इंटरेस्ट का है मतलब क्या होगा कि हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा ठीक है एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम इंटरेस्ट का जो पैसा है जो अमाउंट है वो बदलेगा नहीं ठीक है सो so, कैसे निकाल सकते हैं इसको देखिए कि सात साल में आपका जो पैसा हुआ है कितना एट्टी वन हंड्रेड ठीक है और तीन साल में वो पैसा कितना था सिक्सटी नाइन हंड्रेड ठीक सात साल में वो पैसा आपका अमाउंट के तौर पे हो रहा है एट्टी वन हंड्रेड और थ्री ईयर्स में वही अमाउंट आपका सिक्सटी नाइन हंड्रेड था दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे दैट विल बी टू एंड वन ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है और सेवन माइनस थ्री विल भी फोर ठीक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है सेवन माइनस थ्री विल भी फोर मतलब चार साल में हमें इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है ट्वेल्व हंड्रेड का ठीक इन फोर ईयर्स वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट एज ट्वेल्व हंड्रेड ठीक सेवन ईयर्स में एटी वन हंड्रेड था वो अमाउंट थ्री ईयर्स में सिक्सटी नाइन हंड्रेड हुआ और फोर इयर्स में वही अमाउंट जो है ट्वेल्व हंड्रेड होगा कैसे पता किया हमने वी जस्ट हैव टेकन द डिफरेंस डिफरेंस ले लिया है ईयर का भी और अमाउंट का भी ठीक तो इतना हमको पता लग गया कि चार साल में वो पैसा कितना हो जाता है ट्वेल्व हंड्रेड विच मीन्स दैट एक साल में इंटरेस्ट कितना पड़ रहा होगा अगर चार साल में इंटरेस्ट बारह सौ है तो एक साल में इंटरेस्ट कितना पड़ेगा ट्वेल्व हंड्रेड बाई फोर विल गिव यू थ्री हंड्रेड रुपीज एज अ इंटरेस्ट एज अ इंटरेस्ट दैट विल गिव यू थ्री हंड्रेड रुपीज एज अंटरेस्ट ठीक है ठीक सो जो तीन सौ रुपए आपके इंटरेस्ट पड़े हैं ठीक ये हर साल इंटरेस्ट लगा होगा ये इंटरेस्ट आपका एवरी ईयर लगा होगा ठीक है सो जो तीन साल में ये पैसा पहुंचा है सिक्सटी नाइन हंड्रेड इसमें भी तीन साल तक के लिए तीन तीन सौ रुपये लगे होंगे ठीक है तो अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो प्रिंसिपल तो आराम से निकाल सकते हो कैसे निकालेंगे सेठ so, सो तीन सौ रुपये इंटरेस्ट लगे हैं आपके हर साल इंटरेस्ट पड़ रहा है और सिक्सटी नाइन हंड्रेड जो अमाउंट है वो तीन साल में हुआ है ठीक है सो so, अगर हम पता करना चाहें कि ओरिजिनल अमाउंट कितना था वी कैन गेट द आंसर ऑटोमेटिकली कितना अगर एक साल में आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है तीन सौ तो तीन साल में कितना पड़ा होगा तीन साल में पड़ा होगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री हंड्रेड विल बी नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड हैव बी योर इंटरेस्ट ठीक है तो सिक्सटी नाइन हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड विल गिव यू सिक्स थाउजेंड सिक्सटी नाइन हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड विल गिव यू सिक्स थाउजेंड ठीक यानी आपका ओरिजिनल अमाउंट जो था जो आपने इन्वेस्ट किया था दैट वाज योर ओरिजिनल अमाउंट इट वाज सिक्स थाउजेंड ठीक है हमको प्रिंसिपल यहाँ से पता लग गया आप वी हैव गेट द प्रिंसिपल अब आसानी से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं यहाँ से कैसे निकालोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है कि एक साल में इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है तीन ठीक है सो अगेन दैट फार्मूला आई इन हंड्रेड बाय P इंटू टी यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे ठीक है ये जब अप्लाई करोगे यहाँ पे इस केस में सो so I आई इज़ योर थ्री हंड्रेड रुपीज़ आई कितना है आपका तीन सौ रुपये इंटू हंड्रेड अपॉन सिक्स थाउजेंड इज योर प्रिंसिपल और टाइम कितना है वन ईयर ठीक है एक साल में इंटरेस्ट पड़ रहा है तीन सौ रुपये ठीक अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए आप जीरो कैंसिल आउट हो गया ये कैंसिल आउट हो गया एंड दैट विल बी योर सिक्स फाइव सा थर्टी दैट विल बी योर फाइव परसेंट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है फाइव परसेंट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सोल्यूशन दे रखा है ये भी सम वॉट ऐसा ही है बट आई थिंक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं थोड़ा सा कॉन्सेपचुअल में समझे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए ठीक है सो पहले केस में क्या करना है दोबारा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ यहाँ पर तीन साल का जो भी आपको अमाउंट दे रखा है और जो भी आपको सात साल का अमाउंट दे रखा है दोनों का डिफ्रेंस ले लीजिए आप ठीक है सेवन माइनस थ्री विल बी योर फोर और जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट बनेगा आपका बनेगा बारह सौ रुपए तो चार साल में अगर बारह सौ रुपए इंटरेस्ट पड़ रहे हैं यानी एक साल में आपका तीन सौ रुपए इंटरेस्ट पड़ेगा ठीक तीन सौ रुपए इंटरेस्ट पड़ने का मतलब क्या है कि हर साल आपको तीन तीन सौ रुपए इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है या फिर या फिर आप पे कर रहे हैं क्योंकि आपने बॉ किया है ठीक है यू हैव टेकन अ लोन सो आप यहाँ पे तीन सौ रुपये आप पे कर रहे हैं हर साल ठीक है सो so, तीन सौ रुपये पे करने का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का केस है और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल जो है बराबर का रहेगा यानी जो अमाउंट आपका सिक्सटी नाइन हंड्रेड तीन साल में बना है इसमें भी तीन तीन सौ रुपये कर करके इंटरेस्ट जुड़ा होगा तीन साल तक के लिए ठीक है तो जब आपको ओरिजिनल अमाउंट पता करना है आप जस्ट तीन साल का तीन सौ रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल के उसको माइनस कर दीजिए ठीक है या फिर अगर ऐसे भी करना चाहो तो सिंपल है कि तीन सौ आपका एक साल में पढ़ा था इसका मतलब कि दो साल में कितना हो जाएगा तीन सौ इसमें से कम कर दो सिक्सटी सिक्स हंड्रेड फिर अगेन कम कर दो एक साल का तो कितना हो जाएगा सिक्सटी थ्री हंड्रेड फिर ओरिजिनल अमाउंट पता करना है हमको यहाँ पे तो तीन सौ और कम कर दो आपको सिक्स थाउजेंड यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है सिक्स थाउजेंड प्रिंसिपल हो गया और इंटरेस्ट पता ही है आपको थ्री हंड्रेड रुपीज़ टाइम पता ही है एक साल का है ठीक है सो अब आप आसानी से आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस केस में ठीक सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही टिल देन बी हेल्दी एंड बी सेफ इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो उसको भी आगे कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे और देन वी विल मूव ऑन टू द फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ठीक है टिल देन बी सेफ एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस थैंक यू